अब जहिका आवक हो जाए साहेब, अब हमका का पता, जहाँ पब्लिक झुकी जहाँ समय झुकी। हाँ लोग कहते हैं महिलाओं का झुकाव जिस तरफ हो जाता है वही जीत जाता है। हाँ जहाँ सब झुकी जहाँ मुँह झुका। मतलब किधर जा रहे हैं? अरे अब हम किधर बता दे, राहुल गांधी दिनेश प्रताप कौन होगा? राहुल गांधी का झुक जाई है। हाँ दिनेश कुमार को उनका पचे का जानी कुआ को ना आई, इनका कहना मानेंगे? राहुल गांधी हमारे दीदी तो आई। अरे बाप बाप, जब दीदी कह रही है तो बहनी काहे न मनी है? हम दौड़त दौड़त बहुत परेशान हो गए भैया, अब हमसे कुछ नहीं लगता है। इस लोकसभा चुनाव में किसे जिताएंगे आप लोग, कौन होगा जो आप लोगों की सुनेगा? अब भैया हम तो अपने क्षेत्र में जो कहूँ है उन्हें का जानी थी, अब कहीं का हम कही दिनेश प्रताप सिंह या राहुल गांधी? अब भैया अब आपका जानी, अब हमका जेका दिए खोज दे दे, अब कहीं का कही उनका कही की उनका कही। मतलब अच्छा है के काम ज्यादा कही ले? अब हम कहीं का कही सबे काम अच्छा करत है, सबे काम बढ़िया करत भैया, अब हम के हुआ कहा अपना बाबू। कौन सी गवर्नमेंट से खुश हैं, बीजेपी गवर्नमेंट से या कांग्रेस गवर्नमेंट से? अब भैया हम तो कमल के फूल से खुश हैं। राशन वासन मिला? हाँ राशन वासन मिला भैया। का भैया के जीती? राहुल। बहुत ज्यादा गुटखा खाई ली? हाँ बस सही है। कितना कमाते हो? 300-350 बस। आगे सारे दांत सड़ जा रहे हैं? सही है। फिर भी गुटका खाएंगे? खाएंगे, खा खा के बतियाएंगे। सही है, सही है। मत खाया करा यार, नुकसान करते हैं। घर पे बच्चे इंतजार करते हैं, पापा जब बैठ जाएंगे तो बच्चे क्या खाएंगे? क्या खाएंगे? का का दी है हमका सबका गरीब? राशन देते हैं आपको? राशन देते राशन में देते हैं 5 किलो का, मोदी खा लेगा अकेले, उसमें तेल न लगेगा, उसमें मसाला नहीं लगेगा, उसमें सब्जी नहीं लगे। मतलब तेल मसाला सब कुछ चाहिए? सब कुछ हवे करे देवे करे। अच्छा तमाम लोगों की शिकायत है कि राहुल गांधी की माता जी यहाँ से सांसद रही जीतने के बाद प्रमाण पत्र लेने नहीं आई, झांकने नहीं आती हैं, का कहबू? बनावा बिजली दिए है वहीं की, नहीं तो मनाई भूखन मरत रहा, वहीं का देन नहर है, वहीं का हर चीज देन है, बताए तो झूठ बोल रहा आदमी, सरासर झूठ बोल रहा। और जब होता है तो ये मजदूर जो हमारे पीछे दिखाई दे रहे हैं ये रोड पे जमा हो जाते हैं, और ये रोड पे आते हैं, कतारों में खड़ा होते हैं, इंतजार करते हैं कि कोई मेरा ग्राहक आएगा जो मुझे ले जाएगा और मुझे दिन का काम मिलेगा और मेरे परिवार की रोजी रोटी चलेगी। लोकसभा चुनाव सर्वे को लेकर के हम लोग रायबरेली में हैं, और रायबरेली में हम उस तबके से बात कर रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं इनका निर्णय और इनका फैसला एक बड़ा परिवर्तन करता है। जानेंगे यहाँ पे रायबरेली से कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी, और भारतीय जनता पार्टी से हैं दिनेश प्रताप सिंह। हमारे साथ यहाँ पे तमाम महिलाएं और पुरुष हैं। एक बार तस्वीरों में देखिए, ये पुरुष हैं, ये भी मजदूरी करते हैं, और ये देखिए महिलाएं हैं जो कि अधेड़ मतलब आधी उम्र इनकी बीत चुकी है, और इन्हें भी नौकरी करना पड़ता है, इन्हें भी मजदूरी करना पड़ता है घर से निकल करके। पहले इन्हें बातचीत करेंगे। चाची क्या नाम है आपका? धनपत। यहाँ पे आप मजदूरी करने आते हैं? मजदूरी करने आते हैं। क्या काम मिल जाता है? काम डेली नहीं मिलता। क्या कारण है? नाती पोते तो हो गए? नहीं नाती पोता नहीं है अभी। कौन कौन है घर में? अबे बेटी है, 5 ठाई है, 3 ठू लड़का है। किसकी किसकी हुई? 2 लड़कियों की हो गई। तो कहाँ मजदूरी करने आती है? अब मजदूरी फिर क्या खिलाएंगे, अपने पास खेती बाड़ी नहीं है, मजदूरी का सहारा है, तब क्या खिलाएंगे बच्चे का? तो मजदूरी तो करना ही पड़ेगा। रोज काम मिल जाता है? रोज काम नहीं मिलता। क्या नाम है आपका? विद्यावती। आप भी यहाँ आ जाती हैं? रोज आते हैं, रोज काम भी नहीं मिलता, रोज लौट जाते हैं। आपका क्या नाम है? कलावती। कलावती, अच्छा लोकसभा चुनाव है, और चुनाव में किसका चयन करेंगी, किसे बनाएंगी सांसद? राहुल गांधी पहले ठीक रहे, अभी भी ठीक है, पहले ही ठीक रहे। महिलाएं ये कहती हैं कि मोदी जी अच्छे हैं। का दी है हमका सबका गरीब? राशन देते हैं आपको? राशन देते राशन में देते हैं 5 किलो का, मोदी खा लेगा अकेले, उसमें तेल न लगेगा, उसमें मसाला नहीं लगेगा, उसमें सब्जी नहीं लगे। मतलब तेल मसाला सब कुछ चाहिए? सब कुछ हवे करे देवे करे। अच्छा यहाँ पे आप लोग खड़े हैं कड़ी धूप में, कब तक इंतजार करते हैं? 11-12 बजे तक नहीं मिलता है तो खाली हाथ चले? खाली हाथ जो चले जाएंगे। हाँ जो भी सांसद बने या फिर जो भी प्रधानमंत्री बने, क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को, रोजगार चाहिए कि नहीं? हमका सबका रोजगार चाहिए, कमाई खाई, रोजी रोटी चाहिए, रोजी रोटी और का और कहा चाहिए हमका सबका। का कहबू चाची, के बनी तुहार सांसद? राहुल गांधी। राहुल गांधी,
दिनेश प्रताप नहीं। अच्छा, तमाम लोगों की शिकायत है कि राहुल गांधी की माताजी यहां से सांसद रही, जीतने के बाद प्रमाण पत्र लेने नहीं आई, झांकने नहीं आती हैं। का कहबू बनावा बिजली देन है वही की नहीं तो मनाई भूखन मरत रहा वही इनका देन नहर है वही इनका हर चीज देन है बताए तो झूठ बोल रहा आदमी सरासर झूठ बोल रहा नहीं गल्ला नहीं पैदा होत रहा वही की नहर की देन बिजली विभाग सब वही की देन है। हाँ मोदी पोदी कहा दिस गाय दी तुम्हारा कटाई काट रहा और जो पुरखन की जायदाद रही वो भी ले लिया। हाँ वो कहा बनाया पुरखन की जायदाद, पुरखन की जायदाद लेके हाईवे रोड पे ला रहा पुल बनवा रहा है। आए चलिए चाचा क्या नाम है आपका? बाबूलाल। किसे बना रहे हैं अपना सांसद? राहुल को। इधर देखिए। हाँ जी। किसे बना रहे हैं? राहुल को। मोदी जी को नहीं? नहीं। प्रताप सिंह को नहीं? नहीं। प्रधानमंत्री कौन होगा? राहुल। राहुल जी क्या खासियत है? हाँ? क्या खासियत है? तो खासियत कम से कम काम तो मेरा आवास पास हुआ है, 3 साल हो गए, 8 दिन तक ईंटा दरवाजे लगा है, कहा ग्राम समाज में बने ना जाए, ग्राम समाज में रह रहे हमारे पास जगह मजे तोपे की जगह नहीं ना, बताओ ये सरकार से क्या फायदा है? आवास नहीं मिल रहा है। आवास मिला है, बनने नहीं दे रहे ग्राम समाज में, हमारे पास जगह नहीं है। ग्राम समाज की जमीन है? हमारे पास जगह नहीं है, हम वहाँ 1972 से रह रहे हैं। जिनके पास जमीने नहीं है जमीन प्रोवाइड करा रही है सरकार? कहाँ प्रोवाइड करा रही है, वहाँ जो यहाँ कागज आवत कहा कि हम बाबूलाल को हटाया जाए यहाँ से, ग्राम समाज से बाबूलाल को हटाया जाए। हाँ ग्राम समाज से। बाबूलाल अब की किसको बिठाएंगे सर कुर्सी पे? राहुल को। राहुल को जी। का भैया के जीती? राहुल। बहुत ज्यादा गुटखा खा ली है? हाँ बस सही है। कितना कमाते हो? 300-350 बस। आगे सारे दांत सड़ जा रहे हैं। सही है। फिर भी गुटखा खाएंगे? खाएंगे। खा खा के बतियाएंगे? सही है सही है। मत खाया करा यार, नुकसान करते है। घर पे बच्चे इंतजार करते हैं, पापा जब बैठ जाएंगे तो बच्चे क्या खाएंगे? क्या खाएंगे का? चलिए आगे बढ़ते हैं। का भाई का कहबा के जीती? राहुल जीती है। राहुल जीती है। हाँ उम्मीद तो यही है यार महाराज। कल अमित शाह जी की रैली थी, लाखों लोग आए थे और कहते हैं कि अब की जो है मानधाते में रहे प्रतापगढ़ में। हाँ कल प्रतापगढ़ में मानधाते में रहे भैया। हाँ बीजेपी की रही रैली। हाँ तो कम से कम 500 घंटा रख रही, 500 बस वहीं पे थे हम और बीजेपी वाली थी। हाँ वहाँ पे हाँ काम अच्छा था। क्या लगता है के जीती? यहाँ से तो हाँ उम्मीद है कि हाँ राहुल और प्रतापगढ़ से तो हाँ अपना बीजेपी है। क्या भाई क्या नाम है? भाई सुखराम यादव नाम। सुखराम यादव जी कौन जीत रहा है, दिनेश प्रताप सिंह या फिर राहुल गांधी? अब भाई यही यह चीज़ें नहीं बता सकता और अब देखो कौन जीतता है भाई है? अब यह चीज़ तो नहीं बता सकता और तो भाई सुनवाई तो कांग्रेस का पता चल रहा है। क्या नाम है आपका? भैया सुशीला नाम है। आप भी मजदूरी करने आती हैं? हाँ भैया देखो टिफिन पे लिए हैं है। अब कहा बोली भैया हमारे जीवन बाल बच्चे तो बड़े बड़े हो गए, बाल बच्चे 3 छोटे हैं भैया, जवान बेटवा खत्म हो गया है ना, क्यों सुनिस नहीं ना, लखनऊ बरेली सुल्तानपुर तहसील थाना ऊंचा हार भैया को सुनवाई नहीं की, जब पैसा भर दिया था वही सुनवाई है बाबू, तुम्हें हाथ जोड़ी हम खूब अघान हैं, अब हम कह से कुछ कह नहीं जाता है, कोई सुनवाई नहीं करे। घर में जिम्मेदारी आपके कंधे पर आ गई? हाँ मनाई नहीं ना, जवान बटवा भट्टा खत्म हो गया भैया, क्यों सुनिस नहीं ना, जो रुपया भर दी से वही का सब सुनवाई है, अब हमारे को सुनिस नहीं भैया, अब हमारा जान अघान है, अब से ना हमसे कुछ कही जाए ना हमसे हाय आओ ना के कमाला के खिया वाला लेकिन के पेट पर्दा कैसे चला? अरे भैया एक बेटा वह विकलांग है जो उन करत रहे वह भट्टा पर मार डाइन ही कि का भा खत्म हो गए हैं, ठेकेदार है पैसा ले लीन भैया, अब भर दिन थान है माँ ना एस डैम ना कुतवाल ना FC और ना क्यों क्यों सुनिस नहीं ना, दौड़त दौड़त हमका 3 साल हो गई दौड़त, अब जाके तैयारी हमका कहा मंजूरी उंजूरी कर ले, अब राजस्थान जाए का है भैया, कोई सुनत नहीं ना, अब खूब जान अगहान है, अब कुछ कह नहीं जात भैया, अब पति हैं कि नहीं? नहीं खत्म हो गया, अब हम जहिका अपने बरेली क्षेत्र में जाना वही काम दे दिया। मतलब आपके पति भी नहीं है, बड़ा बेटा भी डेड कर गया है? सांझी नहीं बेटा मैं 6 बेटवा हैं भैया, जा रहे हैं 2 बिटिया रही हैं हमें और एक जने जवान रहे हैं, भट्ठा खत्म हो गए हैं, उनका मजदूरी तक डबल डबल ड्यूटी करते रहे हैं, उनके लेबर भाग आए हैं,
कौन सुनवाई नहीं भैया, हम दौड़त दौड़त बहुत परेशान हो गए भैया। अब हमसे कुछ लगता है इस लोकसभा चुनाव में किसे जिताएंगे आप लोग, कौन होगा जो आप लोगों की सुनेगा? अब भैया हम तो अपने क्षेत्र में जो कहूँ है उन्हीं का जानी थी, अब कहीं का हम कही जीती, दिनेश प्रताप सिंह या राहुल गांधी? अब भैया अब का जानी, अब हमका जेका दिए कोई दे दे, अब कहीं का कही उनका कही कि उनका कही, मतलब ये अच्छा है के काम ज्यादा कही ले। अब हम कहीं का कही सबे काम अच्छा करत है, सबे काम बढ़िया करत भैया, अब हम के हुआ कहा अपना बाबू। मतलब कौन सी गवर्नमेंट से खुश हैं, बीजेपी गवर्नमेंट से या कांग्रेस गवर्नमेंट से? अब भैया हम तो कमल के फूल से खुश हैं। राशन वोशन मिलता है? हाँ राशन वासन मिला भैया, रायबरेली से कमल का फूल आना चाहिए। हाँ और भैया का कही, अब हम आज बहुत अगान हमार को सुनी से नहीं ना बाबू, अब हमसे कुछ कही नहीं जात भैया, अब जौन है यही मजूरी धतूरी करके भैया सबके साथ है हमारे बीच। तो एक तस्वीर आप ये भी देख सकते हैं, ये भी महिला है और ये भी महिला है, आप भी यहाँ मजदूरी करने आती हैं, बोलिए बोलो। हाँ भाई क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार मजदूरी करे आए ले? हाँ। के सांसद बनेगा? हम तो किसी को नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे? अरे सुना सुना, कहाँ नाराजगी है भाई? आज काम वो मिला? नहीं भैया काम नहीं मिला, काम नहीं मिला। उम्मीद है मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, काम खत्म हो गए तो इधर देख के बताइए। अरे आपका बतलाइए भी महीन इंसान तो का है, सब भाषण दिए को भाषण देना चाहिए कि भाषण में बदे नहीं देना चाहिए। यहाँ पे लोग अपनी व्यथा बता रहे हैं, कोई ना कोई कारण है चाची, कोनो न कोनो कारण है कि अवस्था हम बन चेक करावा कहाँ पाए कैसे लौट के जाए बताओ, काम नहीं मिला भैया। मजबूर किराया खर्च करके आती है? चालीस, मतलब 20 आना और 20 जाना, 20 जाना, और अगर काम नहीं मिला तो जेब से गया? जेब से गया। क्या मजबूरी है कि आप सड़क पे खड़ा होकर के काम ढूंढ रहे हैं? अरे मजबूरी है साहब, न खेती न बारी न कमा तो का खाब है, तो यही मजबूरी चाहे। के आवेक चाहे, राहुल गांधी या दिनेश प्रताप? अब जहका आवेक हो जाए साहब, अब हमका का पता, जहाँ पब्लिक झुकी जहाँ समय झुकी। हाँ लोग कहते हैं महिलाओं का झुकाव जिस तरफ हो जाता है वही जीत जाता है, जहाँ सब झुकी जहाँ मोह झुकब, मतलब किधर जा रहे हैं? अरे अब हम किधर बता दे, राहुल गांधी दिनेश प्रताप कौन होगा? दिनेश कुमार का तो ना चाहिए, राहुल गांधी का झुक जाए हैं। हाँ दिनेश कुमार का उनका पचका जानी कुआई कुआ ना आए, इनका कहना मानेंगे? कहती हैं राहुल गांधी हमारी दीदी तो आई। अरे बाप बाप, जब दीदी कह रही हैं तो बहनी काहे ना मनी है। और लोग पीछे हैं भैया, इधर सुनिए इधर सुनिए इधर सुनिए। क्या नाम हुआ? परवेज। क्या करते हैं आप? ये वेल्डिंग की दुकान है हमारी। अच्छा आपकी दुकान है, मन बनाए होंगे लोकसभा चुनाव है किसे जिताएंगे? कांग्रेस। कांग्रेस कांग्रेस, मतलब कि यहाँ कुछ बदलाव नहीं होगा? नहीं नहीं कोई बदलाव। लोग कहते हैं अगर रिजर्व सीट है तो रिजर्व है। हाँ रिजर्व है, रिजर्व। 1 लाख लोग आए थे, अमित शाह जी की कल रैली थी और कहे कि ये लोग जो है कहीं ना कहीं एक बड़ा जनमत साथ है, दिनेश प्रताप सिंह जीत रहे हैं। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या मुद्दे होंगे इस चुनाव में आप लोगों के? बेरोजगारी। बेरोजगारी, आपको भी रोजगार नहीं मिला है? अरे हम लोगों की दुकान है, काम धंधा रहता नहीं है। अगर राहुल आते हैं तो काम धंधा हो जाएगा? राहुल पूरे जो है प्रधानमंत्री बने हम तो चाहते हैं, सांसद नहीं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कहो काका, क्या हाल है? ठीक भैया ठीक ठीक, हम नहीं बोल पाए। अरे कबू बोलने में नहीं बोल पाए, मतलब आज तक कबू बोलवे नहीं कहीं नहीं भाई हुआ। चलिए मित्रों ये रायबरेली का एक दृश्य है, यहाँ पे मजदूर सुबह से लेकर के और दोपहर तक काम का इंतजार करते हैं, मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो अपने घर चले जाते हैं। मजदूरों से हम लोगों ने बातचीत किया कि लोकसभा चुनाव पे आखिर ये किसका चयन करेंगे, इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।